गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वावधान में गुरुवार को गंगा दशहरा के अवसर पर भव्य गंगा दशहरा महोत्सव गुरु गोरक्षनाथ घाट पर धूमधाम से मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि महापौर सीताराम जायसवाल एवं वरिष्ठ अतिथि पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडे मौजूद रहे, जिसमें लोगों ने माँ गंगा मैया को आरती से विद्युत पूजन पाठ करके मनाया, जिसके संबंध में पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडे ने बताया कि गंगा दशहरे के दिन माँ गंगा प्रकट हुई थी। माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए भगवान शिव जी की आराधना हुई। भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा मैया को समाहित किया था। इस अवसर पर उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा, अनुराग मझवार, अभिषेक अग्रवाल, आशीष गुप्ता, विक्की जायसवाल, संजय गुप्ता, पद्मा गुप्ता, सीमा माहेश्वरी, राजू शुक्ला, गौतम कुशवाहा सहित अन्य भक्त मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव एवं पूर्व मेयर डॉ. सत्या पांडे ने कहा, उनके माता पिता से आग्रह है आप लोग आरती की तैयारी करें। आप लोग गंगा दशहरा का त्यौहार है। आज ही के दिन गंगा मैया पृथ्वी पर प्रकट हुई थी, इसीलिए आज हम लोग गंगा दशहरा का पर्व मनाते हैं। आज यहाँ गुरु गोरक्षनाथ घाट पे गुरु गोरक्षनाथ आरती समिति के तत्वाधान में यहाँ गंगा दशहरा का पर्व बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। देखिए, बहुत भारी संख्या में महिलाएँ, पुरुष, बच्चे इकट्ठा हुए हैं। आज यहाँ पर भव्य गंगा आरती हो रही है, भजन संध्या का कार्यक्रम है, सुंदर सुंदर झांकी, भगवान जी की झांकी पे गाने का प्रोग्राम है, बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और यहाँ पे भारी जन समूह देखने को मिल रहा है। हमारे साथ महापौर जी, माननीय महापौर जी उपस्थित हो रहे हैं, माननीय विधायक जी उपस्थित हो रहे हैं, हमारे उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा जी, बाकी यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग उपस्थित हो रहे हैं। अभी आप यहाँ नज़ारा देखिएगा, आरती शुरू होने जा रही है बस थोड़ी देर में। बस यहाँ आपके द्वारा हर मंगलवार को भी यहाँ पर प्रत्येक मंगलवार को यहाँ आरती होती है। हम लोग दो त्यौहार प्रत्येक मंगलवार को आरती करते हैं, और दो त्यौहार गंगा दशहरा का त्यौहार और दीपोत्सव, दीपावली में दीपोत्सव का कार्यक्रम इस घाट पर बहुत धूमधाम से हम लोग मनाते हैं। क्या महत्व है गंगा दशहरा का? महत्व यही है कि आज ही के दिन गंगा जी प्रकट हुई थी, और तभी से गंगा जी का हम लोग त्यौहार गंगा दशहरा मनाते हैं। और आज ही के दिन से गंगा जी जो है वो थोड़ा सा अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया अपना, इसीलिए गंगा दशहरा मनाया। संजय श्रीवास्तव, पार्षद हांसुपुर। आज गंगा दशहरा के पावन पर्व पे राप्ती माँ राप्ती के घाट पे आयोजित आरती में सम्मिलित होकर आज मैं बहुत गौरवान्वित हूँ। आज ही के दिन माँ गंगा का प्राकट्य हुआ था। माँ गंगा को धरती पे लाने के लिए जो माँ उस समय और इतना तप के बाद भागीरथी ने माँ गंगा को जब धरती पे लाने तैयार हुई कि मैं आऊँगी, और भगवान ब्रह्मा जी के जब अंगुष्ठा से निकलने लगी, तो अगर संपूर्ण रूप से माँ गंगा धरती पे आती तो संभवतः हमारी ये पृथ्वी खंड खंड हो जाती। लेकिन माँ के इस अवतरण के लिए फिर शिव जी की आराधना हुई। शिव जी ने अपने जटा में माँ को पहले अपनी जटा में समाहित किया, और एक धार के द्वारा इस धरती पर उन्होंने जब छोड़ा, और भागीरथी के संपूर्ण जो पूर्वज थे उनका उद्धार करते हुए माँ आज हमारे बीच में हैं।
हमें इस चीज़ को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि माँ गंगा को धरती पर लाने के लिए कई सौ साल भागीरथी ने इतनी तप किया, तब माँ गंगा अवतरित हुई। और आज हम कर क्या रहे हैं, आज हम जल का संचय नहीं कर रहे हैं, माँ गंगा में गंदगी फेंक रहे हैं, पॉलीथीन का खुल के इस्तेमाल कर रहे हैं, वृक्ष का कटान कर रहे हैं। आप देखिए कि इस किनारे वृक्ष भी नहीं है, एकदम उजाड़ लग रहा है। हमें आज के दिन ये शपथ लेना चाहिए कि हमें माँ गंगा को वास्तव में इस धरती पर उन्हें रखना है, क्योंकि वो हमारी जीवन दायिनी गंगा है। और जीवन पाने के लिए हमें पर्यावरण को शुद्ध रखना है, पॉलीथीन मुक्त ये राष्ट्र बनाना है, और हमें वृक्षारोपण करके उन वृक्षों को बचाना है। आज के शुभ अवसर पर आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ, और आपका भी आभार व्यक्त करती हूँ कि इतने पुनीत कार्य को आप आम जनमानस तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। गंगा मैया।